आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लिमटी की लालटेन का 569वां एपिसोड। आज हम आपको लेकर आए हैं सिवनी जिले के एक रमणीक स्थल। वास्तव में ये इसका प्रचार ज़्यादा नहीं हो पाया है। यहाँ पानी का झरना आप देख सकते हैं। ये दरअसल सिवनी से अगर आप पश्चिम दिशा में जाते हैं मुगवानी की तरफ, तो महज 13 किलोमीटर दूर स्थित ये एक छोटा सा, इसे एक झरना कह लें या वृहद रूप जब धारण करता है तो जलप्रपात कह लें। देखिए जलप्रपात के जैसा आपको लग रहा होगा, बहुत सुंदर नज़ारा यहाँ पर दिखाई देता है। पानी कल कल बहता यहाँ आपको दिखाई दे जाएगा। पैनगंगा नदी, पुण्य सलिला पैनगंगा, जिसका उद्गम भी सिवनी ज़िले में मुंडारा है, मुंडारा से निकली पैनगंगा ही यहाँ से होकर गुजरती हुई आपको दिखाई दे रही होगी। बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में आप सावधानी आपको बरतनी चाहिए, और सावधानी इस तरह बरतनी चाहिए कि जहाँ पानी हो पानी से आप दूरी बना कर रखें, और कोशिश करें कि सेल्फी आदि लेते समय कोई खतरा आपको उत्पन्न ना हो। जहाँ पहाड़ी नदियाँ या नाले हों, पहाड़ी नदी नाले से थोड़ा सा दूर रहें, क्योंकि पहाड़ी नदी नाले के आपने बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पर देखे होंगे कि महज 30, 40, 50 सेकंड या एक मिनट में ही पूरा पानी इस गति से पहुँचता है कि आप फिर आप संभलने का मौका आपको पानी नहीं देता है। आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साइन न्यूज़ लिमटी की लालटेन का 569वां एपिसोड। ये आपको नज़ारा हम दिखा रहे हैं, यहाँ पानी बहता हुआ दिख रहा है। और अभी तो बरसात की शुरुआत हुई है, शुरुआत में यहाँ बहुत ज़्यादा पानी नहीं है। बारिश जैसे जैसे थोड़ा सा पानी बढ़ेगा, उसके बाद ये इस जगह पर आपको पानी बहुत ज़्यादा तादाद में दिखाई दे जाएगा। ये देखिए पानी यहाँ पर आता हुआ आपको दिख रहा होगा। सिवनी से मुगवानी की तरफ आप अगर जाते हैं तो सिर्फ 13 किलोमीटर दूर पुसेरा गांव लगभग 11 किलोमीटर, वहाँ से 2 किलोमीटर और आप आगे जाते हैं तो ये आपको एक बहुत सुंदर दृश्य यहाँ देखने को मिलता है। लोग यहाँ पिकनिक मनाने जाते हैं। ये देखिए किस तरह कल कल पानी बह रहा होगा, और पानी के बहने की आवाज़ भी आपको पत्थरों के अवरोध के कारण जो एक ध्वनि उत्पन्न होती है वो वाकई बहुत कर्णप्रिय मानी जा सकती है। वैसे देखा जाए तो सिवनी ज़िला पर्यटन की अपार संभावनाएं सिवनी ज़िले में हैं, चाहे पायली का डैम का किनारा हो, बरगी डैम रानी अवंती बाई सागर परियोजना के बरगी डैम का एक सिरा जो कैचमेंट वाटर पायली में आता है वो स्थान हो, चाहे आप भीमगढ़ चले जाएं, एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध संजय सरोवर परियोजना का हिस्सा वहाँ आप चले जाएं, अमोदागढ़ के अलावा आष्टा के मंदिर, बामनदेई का जो उसके आगे अगर आप जाते हैं तो चंदन बगीचा, 5000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ चंदन बगीचा। इसके बाद आप अगर कुरई के खवासा के समीप जाते हैं तो पैंच नेशनल पार्क, और सकाटा के जंगल जहां किंवदंती हुआ करती थी कि वहां सूरज की रोशनी नहीं पड़ती थी, इतना घना जंगल होता था, पर अब जंगल धीरे धीरे कम हो रहा है। कम क्यों हो रहा है सभी जानते हैं, कोई इस जंगल को बचाने के लिए कोई भी आगे आता दिखता नहीं है। आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ लिमटी की लालटेन का 569वां एपिसोड। पानी यहाँ आपको दिख रहा होगा। सिवनी से महज 13 किलोमीटर दूर ये पुसेरा, यहाँ इन सभी स्थानों को, जितने स्थान हमने आपको बताए, इन सभी स्थानों को अगर आप या सिवनी के विधायक सांसद चाहते तो इन स्थानों पर केंद्र सरकार के पर्यटन मंत्रालय से 200-500 करोड़ का एक बड़ा पैकेज लेकर आते, और सिवनी में पैंच नेशनल पार्क जो लोग घूमने आते थे उन्हें, जो भी घूमने आएगा वो 2 दिन का पैकेज और इन सारी जगहों पर घुमाने का मिल सकता था, और इसमें न जाने कितने युवाओं को रोज़गार मिल जाता।
पेंच नेशनल पार्क के बाद सकाटा के जंगल, आप अगर दक्षिण से उत्तर की ओर आएंगे सकाटा जंगल, सकाटा जंगल के बाद बहुत अच्छे जंगल हैं और वहीं आष्टा के मंदिर और इस तरीके के और भी स्थल हैं। फिर ड्यूटी डैम, आपको यहाँ एक रुमाल डैम पड़ता है, उसके अलावा अमोदागढ़, घनसौर के करीब पायली और केवलारी के समीप भी बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जिन्हें डेवलप किया, विकसित किया जा सकता था। धूमा के पास, लखनादौन के पास, मठगोगरा, न जाने कितने ऐसे स्थान हैं। और सबसे महत्वपूर्ण सिवनी का एक और, जिसके कारण सिवनी बहुत प्रसिद्ध है, स्फटिक का सबसे बड़ा मंदिर यहाँ मंडोल के समीप स्थित है, जो गुरुधाम कहलाता है सिवनी में। वहाँ पर स्फटिक का बहुत बड़ा शिवलिंग स्थापित है। मुगवानी और सिवनी के बीच में काले हिरणों की इतनी फौज, इतनी ज़बरदस्त फौज है, जिन्हें देखने के लिए लोग लालायत रहते हैं। वन्य जीवों, वन्य संपदाओं से भरपूर सिवनी जिले का पर्यटन की दृष्टि से उपयोग किसी के भी द्वारा नहीं किया गया। जबकि केंद्र में, पूर्व में जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, केंद्र में पर्यटन मंत्री हुआ करते थे प्रहलाद सिंह पटेल, वे पहली बार सिवनी से लोकसभा चुनाव जीते थे और बतौर निर्दलीय उम्मीदवार भी उन्हें, उनके द्वारा लड़ा गया था और भारतीय जनता पार्टी का सिंबल उनके पास था। वे यहाँ से पहला चुनाव उनके द्वारा लड़ा गया था। अगर सिवनी के तत्कालीन सांसद डॉक्टर लाल सिंह बिसेन सहित विधायक और दूसरे सांसद जो केंद्र में मंत्री रहे हैं, फग्गन सिंह कुलस्ती, ये सभी प्रयास कर लेते तो सिवनी के सूरत ही बदल चुकी होती अब तक। विडम्बना ही कही जाएगी कि इस ओर ध्यान देने का किसी के द्वारा भी प्रयास नहीं किया गया। सिवनी में जो टूरिज्म काउंसिल है, उसके द्वारा भी सिवनी के को पर्यटन की अपार संभावनाएं होने के बाद यहाँ किसी भी तरह का प्रोजेक्ट बनाकर नहीं भेजा गया। कितना सुंदर नज़ारा आपको दिख रहा है पुसेरा का, वास्तव में यहाँ आप अगर जाते हैं तो आपको एक सुंदर अनुभूति होती है। सिवनी से महज 12-13 किलोमीटर दूर स्थित है, लोग यहाँ पिकनिक मनाने भी जाते हैं। और पानी से, एक बार फिर हम आपको ये कहना चाहेंगे, पानी से पर्याप्त दूरी आप बना कर रखें। बरसात में पानी का कोई भरोसा नहीं होता। यहाँ देखिए, इस बैनगंगा नदी से सीधे पानी भी लिया जा रहा है, हमने आपको भी दिखाया। ये देखिए, यहाँ पर्यटक आते हैं और यहाँ आकर ये सभी लोग प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ उठाते हुए नज़र आते हैं। रेत भी यहाँ है, पानी भी है, पठार भी आपको दिख रहा होगा, चट्टानें भी दिख रही होंगी और पानी का झरना भी दिख रहा होगा। चूँकि अभी बारिश बहुत ज़्यादा नहीं हुई है, इसलिए झरना बहुत ज़्यादा आवेग से बहता हुआ नहीं दिख रहा है, पर थोड़ी सी बारिश होने पर यहाँ पर झरना थोड़ा आवेग से बहने लगता है। इसके लिए संबंधितों को चाहिए कि यहाँ सुरक्षा की व्यवस्थाएँ भी मुकम्मल करने की यहाँ पर ज़रूरत महसूस हो रही है। देखिए कैसा पानी कल कल बहता हुआ चला आ रहा है। आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन का 569वां एपिसोड। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन, अन्य मौसम के अपडेट पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। इसके साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताएं कि आपको ये सारे खबरें कैसी लग रही हैं। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे लिमटी की लालटेन का 570वां एपिसोड लेकर, बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल इजाज़त लेते हैं, जय हिंद।